A very cheerful afternoon to one and all. I, Nidhi Baghel, welcome you all to this session of Auron City Literature Fest 2020. This session is on Khand Se Akhand Rashtriya Ekta Ka Shankar Mark with Rajiv Sharma in conversation with Rohini Kher. Our speaker, Rajiv Sharma, was born and brought up in Bhind, Madhya Pradesh. He has worked as SDM, CEO ZP, DM in various districts of Madhya Pradesh. He is an IAS officer of 2003 batch. He has worked as secretary in urban administration environment, aviation, sericulture, etc. Rajiv Sharma is now presently working as the commissioner of handlooms and handicrafts and the managing director of MP Handlooms and Handicrafts Development Corporation with retail outlets in the brand name of Mrigneni, with various showrooms in different states. His favorite passion and hobbies are for wildlife photography, a poet, columnist, and a novelist. Apart from this, he is a globetrotter, traveled extensively throughout our country. Rajiv Sharma has published a number of books, papers, and poetries. To name a few of his published works, he has published Umr Ki 31 Galiya in the year 2000, Dhoop Ki Glacier in 2001, Prism in 2010, a novel with Drohi Sanyasi in 2020, and so on. Our moderator for the session, Rohini Kher, has done her B.Ed. and later M.A. She has also done her M.Phil. and Ph.D. in Hindi. She also holds an A.T.D. She is now working as the H.O.D. Hindi in Delhi Public School, Aurangabad. I am sure we are going to have a great session. I will remind you when last 10 minutes of the session will be left with the help of a bell sound so that we can conclude the session smoothly in time. I now hand over to the moderator. Rohini ma'am, over to you. Thank you, Nidhi. Namaskar. Aaj hamare vakta hastashilpa evam hatkarga ayukta varishtha vicharak Shri Rajiv Sharma ji hai. Rajiv Sharma ji एक संवेदनशील कवि, प्रभावी लेखक और खुश मिजाज दोस्त है। आप अपनी बात को बड़ी ही निपुणता से सबके सामने रखते हैं। आपकी तथ्यात्मक विश्लेषण शैली पाठकों को एवं श्रोताओं को मुग्ध करती है। आपकी लेखनी वैचारिक रूप से श्रेष्ठ है, अपितु पढ़ने वाला इसे आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करता है। हाल ही में सर की उपन्यास जो है विद्रोही सन्यासी आया हुआ है, जो बहुत चर्चा में है और चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि अमेज़न के बेस्ट सेलर कैटेगरी में यह शामिल हुआ है। राजीव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह बात पूछना चाहती हूँ कि आदि शंकराचार्य जी के जीवन पर आपने जो ये उपन्यास लिखा है, इसकी विषय वस्तु क्या है और इसके सफलता के पीछे क्या कारण है? रीति, आई एम नॉट लिसनिंग यू। मुझे निधि की आवाज भी नहीं आ रही थी और आपकी आवाज भी नहीं आई मुझे। सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं पर मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। टेक्निकल टीम प्लीज।
नमस्कार, आज हमारे साथ है हस्तशिल्प एवं हथकरघा आयुक्त वरिष्ठ विचारक श्री राजीव शर्मा जी। इनका एक और परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत होते हुए भी सर कलम के धनी हैं। राजीव शर्मा एक संवेदनशील कवि, प्रभावी लेखक और खुश मिजाज दोस्त है। आप अपनी बात को बड़ी ही निपुणता से सबके सामने रखते हैं। आपकी तथ्यात्मक विश्लेषण शैली पाठकों को एवं श्रोताओं को मुग्ध करती है। आपकी लेखनी वैचारिक रूप से श्रेष्ठ है, अभी तो पढ़ने वाला उसकी संतुष्टि का अनुभव भी करता है। हाल ही में आपका उपन्यास विद्रोही सन्यासी आया हुआ है, जो काफी चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अमेजॉन के बेस्ट सेलर कैटेगरी में यह उपन्यास शामिल है। राजीव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आदि शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है और इसके सफलता के पीछे क्या कारण है? धन्यवाद रोहिणी जी और OGLF ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल नागपुर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से आपने मुझे भगवान आदि शंकराचार्य के बारे में और द्रोही सन्यासी के बारे में पाठकों के सामने कुछ तथ्य रखने का अवसर दिया। आपने पूछा है कि इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। जी सर, इस उपन्यास की विषय वस्तु है भगवान आदि शंकराचार्य का जीवन और कृतित्व। ये उपन्यास आते ही क्यों इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि इसने सारे हिंदी उपन्यासों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और पहला संस्करण केवल 2 महीने में खत्म हो गया जी। तो मैं समझता हूं कि इसका पूरा श्रेय श्री भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन गाथा को ही है। उनकी जीवन गाथा इतनी रोमांचक, इतनी रोचक, इतनी प्रेरणास्पद है। इसमें ड्रामा है, संवेदनाओं का ज्वार और भाटा है, ट्विस्ट है, टर्न्स हैं। इट इज सो मच इंटरेस्टिंग कि जो भी इसको पढ़ता है वो दूसरे लोगों को सजेस्ट करता है। और वो जो माउथ पब्लिसिटी थी जो एक पाठक ने दूसरे पाठक को की, और अभी जो मेरे पास जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ऐसी आ रही है कि घर में एक व्यक्ति पढ़ रहा है और 5 लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी खत्म करें तो हमारा मौका लगे। तो मैं समझता हूं कि इस कहानी के इतने सफल होने का विद्रोही सन्यासी उपन्यास, जो कि प्रभात प्रकाशन दिल्ली में प्रकाशित किया है और केवल 2 महीने में जिसका रिप्रिंट करना पड़ा उनको, तो उसकी सफलता के पीछे कारण मेरी कलम नहीं है, इसके पीछे कारण है उन भगवान आदि शंकराचार्य का महान व्यक्तित्व, जिसमें एडवेंचर है, जिसमें देश के हर कोने के डिटेल हैं, क्योंकि उन्होंने पांव पांव पूरे अखंड भारत की कई बार प्रदक्षिणा की थी, कई बार परिक्रमा की थी। तो मैं समझता हूं कि पाठकों को यह कहानी इसलिए पसंद आ रही है। सर, जब हमने ये उपन्यास पढ़ा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपने आदि शंकराचार्य जी के जो समय है उस समय को लेकर कहीं कहीं मौन रखा है, तो ये मौन क्यों रखा सर आपने? बहुत अच्छा प्रश्न है रोहिणी जी। असल में मेरा इस किताब को लिखने के पीछे उद्देश्य था कि महान शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में जन्म लेकर, ये गांव कालड़ी में जन्म लेकर, और पूरे देश को वेदांत के माध्यम से, अद्वैत के माध्यम से, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के माध्यम से सहिष्णुता और एकता की एक ऐसी डोर में बांधा जी कि बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन हम एक देश के रूप में आज भी दुनिया के नक्शे पर न केवल जीवित हैं बल्कि लोग हमें आशा भरी निगाहों से देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि उनके उस महान संदेश को, जो आज से कम 1500 वर्ष पहले उन्होंने दिया था, उस संदेश को आज देश भूल गया है। आज आप मीडिया हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी आप आदि
शंकर के बारे में शायद ही कोई चर्चा सुनते हो, क्योंकि आज का हमारा जो जनमानस और हमारा जो सार्वजनिक जीवन है इस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कब्जा कर लिया है, और आज के जो नेता अभिनेता खिलाड़ी इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। तो जो आदि शंकराचार्य जी का जो संदेश था वो कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने उनके समय को लेकर जो विवाद हैं उनको नहीं छुआ। और वैसे भी मैं साहित्यकार हूं जी। काल निर्धारण मेरा दायित्व नहीं है, काल निर्धारण रोहिणी की काल निर्धारण तो इतिहासकारों का दायित्व है, पुरातत्वविदों का दायित्व है, वो तय करके बताएं हमें कि वे कब हुए। हमें तो उनके संदेश को आज के भारत के हर युवा के पास, आज के भारत के हर जीवंत भारतीय के पास मुझे उनका संदेश ले जाना था, इसलिए मैं विवादों से बचकर चला। बिल्कुल सर। सर जब हम इनके समय के बारे में बात करते हैं, वैसे ही इनका जो अंतिम समय है वो बहुत विवादों में था, तो मुझे ऐसा कहना है कि इन विवादों को भी आपके उपन्यास में टाला गया। उसके बाद उनके जन्मकाल, मृत्युकाल तथा जन्मस्थान और मृत्युस्थान के संदर्भ में जो तथ्य थे उनको भी अनदेखा किया गया। क्या ये सही लगता है सर आपको? रोहिणी, किसी तथ्य को अनदेखा नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि यह पहली किताब है कि एक ही पुस्तक में उनके जीवन के सभी तथ्यों को समाहित करके मैंने प्रस्तुत किया है, और यह किताब लिखने में मैंने 10 वर्षों तक गंभीर शोध किया। मैं भगवान आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कालड़ी से लेकर और पूरे देश की यात्रा करते हुए मैं केदारनाथ में उस स्थान तक गया हूं कि जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो 10 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है किताब लिखने के लिए। मुझे नहीं पता कि आजकल और कौन से उपन्यासकार एक उपन्यास को लिखने में 10 वर्ष का धैर्य रखते हों। मेरा प्रयास यह है कि तथ्य मैं सारे रखूं, लेकिन जो अभी हमारे समय में जो फैशन है कि चाहे किताब लिखो, चाहे फिल्म बनाओ, चाहे थिएटर हो, उसमें कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर दो जिससे कि लोगों की दिलचस्पी पैदा हो जाए और फिल्म या किताब हिट हो जाए, मैं इस चीज को नापसंद करता हूं। मैं सत्य का प्रवक्ता हूं, मैं भगवान आदि शंकर का प्रवक्ता हूं, और मैं उनकी जीवन गाथा को लोगों तक ले जाना चाहता था और उनके संदेश को ले जाना चाहता था। तो इसलिए मैंने तथ्यों को अनदेखा नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि जो इतिहासकार का काम है वो मैंने इतिहासकार के लिए छोड़ दिया। सर जैसे आज के युग पे माने आज का युवक जो है वो स्वच्छतापूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो आज का युवा ये आदि शंकराचार्य जी की कहानी क्यों पढ़े और उसके लिए शंकराचार्य जी की ऐसी कौन सी प्रासंगिकता है कि वह उपन्यास पढ़े? बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा है आपने और वाजिब प्रश्न है कि आज के युवा को शंकराचार्य जी से वो कैसे जुड़ता है। रोहिणी, सही बात यह है कि आदि शंकराचार्य ने बचपन से लेकर और पूरी युवावस्था में उन सभी विसंगतियों, उन सभी चुनौतियों और उन सभी समस्याओं का सामना किया जो आज के युवा के सामने है। आज का युवा आधुनिक है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो धर्म और जाति के झगड़ों में उलझकर नष्ट नहीं होना चाहता, वो नए नए आविष्कारों को, नई नई भौतिक सुविधाओं को पसंद करता है, और वो बहुत संवेदनशील भी है। लेकिन उसके सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने में और आज पूरे समाज में चारों ओर जो निराशा का वातावरण है, इस निराशा के वातावरण से निपटने में अगर कोई एक व्यक्ति तो उसको सबसे प्रबल प्रेरणा दे सकता है तो वह भगवान आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व है। आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत नहीं टूटते हैं उस उम्र में
सुदूर केरल में कालडी गांव से एक छोटा सा बच्चा, आज के हिसाब से तो वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होना चाहिए था उनको, और से, वो वहां से पैदल पैदल चल माँ को त्याग कर, अपने पूरे परिवेश को त्याग कर, अपनी मातृभूमि को त्याग कर, और वो कौन सी प्रेरणा है कि जो वो वहां से चल के और भारत के घनगलों को, और तब जंगल घन नहीं है, तब में हजार से 1500 वर्ष पहले की वेंचरस है उनकी यात्रा, कि आज जब हवाई सुविधा है सब जगह, जब ट्रेन की सुविधा है, जब इतने सुंदर सुंदर रोड्स बन गए हैं, और हमारे पास एक से एक अद्भुत गाड़ियां हैं कि जिनमें बैठो तो पेट का पानी भी नहीं हिलता, हमें मौसम का भी पता नहीं चलता, एयर कंडीशन्ड व्हीकल्स हैं, और जिनके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि हमें झटके भी नहीं लगते, लेकिन हम में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने उसका एक चौथाई भी घूमा हो जितना भगवान आदिशंकर ने पैदल पैदल घूमा। उन्होंने अनेकों बार बृहत्तर भारत को अपने पैरों से नापा। तो मुझे लगता है कि आज के युवा के सामने जितनी चुनौतियां हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर हैं, चाहे वो जीवन के संघर्ष को लेकर हैं, चाहे वो पठन और पाठन को लेकर हैं, उन सब चुनौतियों का उत्तर अगर कोई एक व्यक्तित्व हमें प्रामाणिक रूप से देता है तो वह व्यक्तित्व आदि शंकराचार्य का है। आप सोचिए कि उस बालक को ज्ञान की कितनी गहरी प्यास है जी। कि उन्हें पता चलता है कि उनके गुरु केरल से हजारों किलोमीटर दूर किसी गुफा में है, नर्मदा किनारे किसी गुफा में समाधि में है। आज हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं जी। या बम्बई भेजते हैं या बेंगलोर भेजते हैं, लेकिन उस जमाने में पांव पांव पैदल चलकर अगर कोई शिशु, कोई बालक, कोई किशोर सिर्फ विद्या की प्यास मिटाने के लिए और एक नए प्रदेश में जाता है कि वो आता है, विदर्भ को पार करता है, वो महाकौशल को पार करता है और नर्मदा तट पर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के युवा को जो आनंद नेटफ्लिक्स की सीरीज में जो रोमांच उसको मिलता है ना, उससे ज्यादा रोमांचक भगवान आदि शंकर की कहानी है। बिल्कुल सही सर। सर जहां तक हम आदि शंकराचार्य जी का जीवन देखते हैं, तो वह जो है एक धर्माचारी थे। आज के इस विज्ञान और तकनीकी युग में उनकी कहानी हमें दोबारा कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? हमने जो ये कहानी है ये दोबारा बोलने की जरूरत क्यों है? बाउंसर फेंक, बिल्कुल वाजिब बात है। युग भले ही विज्ञान और तकनीकी का है, तो जी सर, एक तो मैं ये निवेदन करूं, विज्ञान कोई अभी पिछले 70 साल में नहीं पैदा हो गया है, ना ये तकनीकी कोई पिछले 100 साल में या 200 साल में पैदा हो गई है। जो हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति थी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनमें से ज्यादातर लोग रिसर्चर्स थे, वो वैज्ञानिक थे। आपने सुना होगा कि कणाद मुनि जी, वो उन्होंने और परमाणु के बारे में ग्रंथ लिखा। आपने सुना है कि सुश्रुत संहिता जिसमें सर्जरी के बारे में लिखा। तो ये जो ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का युग है, ये भारत इस युग से हजारों सदियों से परिचित है कि हर ऐसी चीज का आविष्कार हमने किया। और मुझे याद दिलाने दीजिए कि आज का पूरा गणित और पूरा विज्ञान जिस जीरो पर आधारित है, जिस शून्य पर आधारित है, उसकी खोज भी हमारे महान ऋषियों ने की थी। तो आज के युवा के लिए का आकर्षण यह है कि भगवान की, चाहे कितना भी विज्ञान आ जाए, चाहे कितनी भी तकनीक आ जाए, लेकिन मनुष्य हाड़ मास का पुतला है। हम मशीन नहीं हैं, हम रिमोट से नहीं चलते, हम भावनाओं से चलते हैं, हम विचार से चलते हैं, संस्कृति और संस्कार से चलते हैं। और अगर हमें अपनी
संस्कृति और संस्कार जानना है तो हमें आदिशंकर को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही। सर, आपने आपके उपन्यास में जो है वो शंकराचार्य के बारे में जो भी बताया है, तो उससे हमें पता चलता है कि वे धर्म के उपासक थे, धर्म के अनुसार चलने वाले ऐसे व्यक्ति थे। फिर आपने आपका उपन्यास का शीर्षक विद्रोही सन्यासी क्यों रखा सर, और ऐसा उन्होंने कौन सा विद्रोह किया था कि जिस कारण आपको विद्रोही सन्यासी रखना पड़ा आपके उपन्यास का नाम? असल में वे एक क्रांतिकारी थे, वो संत तो थे ही जी, सन्यासी थे ही, लेकिन उनका सन्यास व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं था। अच्छा। उनका सन्यास मानवता के कल्याण के लिए था। आज जो लोग, बहुत से सन्यासी ऐसे हुए हैं कि जो सन्यास लेते हैं सिर्फ खुद के कल्याण के लिए, खुद के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आदिशंकर एक ऐसा अद्भुत अपूर्व व्यक्तित्व थे जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने जन्म लिया और घर की सुख सुविधाएं छोड़कर, अपनी माँ को अकेला छोड़कर, हमारे और आपके कल्याण के लिए, इस भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने सन्यास लिया। और जो मैंने विद्रोही सन्यासी नाम रखा है वो इसलिए रखा है कि लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है उनके गेरुए कपड़े देखकर कि वो कोई धर्माचार्य थे। जी जी, मैं उनको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानता हूं, क्योंकि चाहे कापालिकों की मानव बलि हो, चाहे शाक्तों की पशु बलि हो, चाहे धर्माचार्यों का पाखंड हो, चाहे जाति के आधार पर लोगों में भेद करने की, भेदभाव करने की बुरी प्रथा हो, भगवान आदिशंकर ने उस युग में, आज से 1500 वर्ष पहले, उस समय की सभी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया, विरोध किया था। और एक सन्यासी से अपेक्षा, इसलिए मैं उनको विद्रोही कहता हूं, क्योंकि उन्होंने उस समय की जितनी गलत चीजें थी उन सब से विद्रोह किया। वो आराम से हलवा पूड़ी खाकर बहुत अच्छा जीवन, अपना सुविधापूर्ण जीवन जी सकते थे, उसको छोड़कर वो समाज की कुरूतियों से लड़ने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी की तरह खड़े हुए, इसलिए इसका नाम विद्रोही सन्यासी। एक और पूछना था सर मुझे, जब मैंने आपके उपन्यास का अध्ययन किया, आपने जितना भी लेखन किया है उसका अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि आपके आने वाले जो उपन्यास है उनका नाम जो है वो योद्धा सन्यासी है, जो कि भगवान परशुराम के जीवन पर आधारित है। उसके बाद अवधूत सन्यासी है, जो कि भगवान दत्तात्रेय के ऊपर आधारित है। अभी हाल ही में जो सुर्खियों में है वो है विद्रोही सन्यासी, वो भी काफी, जैसे जो नाम है सर, आप सन्यासियों के पीछे इतने क्यों पड़े हो सर? मैं सन्यासियों के पीछे नहीं पड़ा हूं, असल में आज के पूरे दिमाग के पीछे पड़े, और उनके कर्म ऐसे हैं, चाहे वो आशाराम चाहे वो राम रहीम हो, इस तरह के जो सन्यासी हैं, इन्होंने सन्यासी शब्द को बदनाम कर दिया है, और लोगों के दिलो दिमाग में, आज की युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में भी सन्यासी शब्द सुनकर एक वितृष्णा पैदा कर दी है। तो इस, मुझे लगा कि इस सन्यासी शब्द की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए मुझे अपने समाज को और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को उन सन्यासियों के बारे में बताना चाहिए जो असली सन्यासी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारी संस्कृति के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी। तो उनके बारे में जानेंगे तो लोग ये जान पाएंगे कि इन ढोंगी सन्यासियों से बचने की जरूरत है। तो आज के जो ढोंगी सन्यासी हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, रोज हम उनकी कलंक कथाएं टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उनसे मेरे अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगा कि मैं उन महान सन्यासियों का
कि जिन्होंने इस देश को जागृत करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मैं उनकी कहानी आज की युवा पीढ़ी को सुनाऊं। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि हाँ, मैं सन्यासियों के पीछे पड़ा हूं और मैं तब तक पीछे पड़ा रहूंगा जब तक आज के भारत की युवा पीढ़ी को यह भरोसा ना हो जाए कि हमारा देश किन महान सन्यासियों की तपस्या से पुष्पित और पल्लवित हुआ है। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी हम आसपास जो देखते हैं सर, आज का जो दौर है वो भाषा का झगड़ा या फिर क्षेत्र का झगड़ा, जाति का झगड़ा, इतने झगड़ों के बीच में शंकराचार्य जी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या चमत्कार था कि पूरा भारत जो है वह उनकी वाणी सुनने को या फिर उनका उनके ऊपर जो मन लगाने को अधीर होता रहा था। ऐसे क्या चमत्कार था सर उनके जीवन में जिससे प्रभावित हम सारे हो चुके थे? उनका उनका व्यक्तित्व बहुत सम्मोहक था और उनके व्यक्तित्व सम्मोहन था, वो पैदा हुआ था त्याग से, तपस्या से। भारत कोई साधारण देश नहीं है, ये एक पुण्य भूमि है, ये धर्म की भूमि है, ये पुरुषार्थ की भूमि है, ये अवतारों की भूमि है। और इस भूमि में गरीब से गरीब आदमी के अंदर एक प्रबल स्वाभिमान होता है। जी, भारत के हर व्यक्ति के अंदर एक प्रबल राष्ट्र भावना है कि हमारा आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो इस देश के लिए अपनी जान देता है। आप रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कभी महाराष्ट्र के कोई लड़के शहीद होते हैं सीमा पर, कभी नॉर्थ ईस्ट का कोई जवान शहीद होता है देश के लिए जूझते हुए। तो जो प्रश्न था आपका कि इतने झगड़ों के बीच में उनके व्यक्तित्व में क्या था, तो उनके व्यक्तित्व में जो त्याग था उनका, जो उनका ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था उनको, वो अकेले ऐसे महान लोगों इकलौते व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सिर्फ शस्त्र से नहीं, सिर्फ शास्त्रार्थ से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में दिग्विजय की। और लोग देखते थे, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई 14 साल का बच्चा अगर अभी हमारे शहर में आए और उसके बारे में पता चले कि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ हमारे कल्याण के लिए आया है, और अगर उसकी वाणी मधुर हो, अगर उसका व्यक्तित्व तो भव्य हो, तो हम आकर्षित नहीं होंगे। सॉरी, भगवान आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व तो का जो आकर्षण था वो उनकी तपस्या से हुआ था, और जो सबसे बड़ा आकर्षण था उनका वो था उनकी वाणी का। वो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा का हो, उसे वो इतना प्रेम वाणी में बोलते थे कि ऐसा लगता था कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है, क्योंकि वो अद्वैत के उद्घोषक कहता है, अंदर वही आत्मा आप है, जैसा सम्मान मैं अपने लिए चाहूं, मुझे वैसा ही सम्मान आपको करना चाहिए। तो ये चीज उनके व्यक्तित्व में थी, ये आकर्षण उनके व्यक्तित्व में था, इसलिए पूरा भारत उनकी बात सुनता था, मानता था और आज भी मानता है। जी सर, सर क्या आपको लगता है कि हमारा खंड खंड हुआ भारत जो है वो फिर से अखंड हो सकता है? यदि हाँ तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा, क्या ये फिर से एक हो सकते हैं सर? रोहिणी, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर हम खंड से अखंड करने का भगवान शंकर का मार्ग अपना लें। क्या था उनका मार्ग? उनका मार्ग था कि अपने सारे देशवासियों से, अपने सारे नगरवासियों से, अपने सारे प्रांतवासियों से, मनुष्य मात्र से, उनमें अद्वैत को देखो, उनको वही सम्मान दो जो आप अपने लिए चाहते हो। उन्होंने हमें ये बताया कि भारत संघर्ष की भूमि नहीं है, कोई भी देश तलवार के जोर
से ना बनाया जा सकता है और न तलवार के जोर से उसको इकट्ठा रखा जा सकता है। सेनाएं देश नहीं बनाती, देश बनता है नागरिकों की संवेदनाओं से, देश बनता है सहानुभूति से। अभी जब लोग लॉकडाउन में जब लोग शहरों से अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे तो भारत के हर हिस्से में लोगों ने उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनके लिए हम दुखी हुए। तो यही तरीका है देश को एक करने का कि हम अपने प्रत्येक देशवासी को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और सब को समृद्धि दे सके तो दुनिया की कोई ताकत हमें दोबारा एक होने नहीं रोक सकती। युद्ध में तलवार के जोर से महाशक्तियों ने दो हिस्से कर दिए थे, एक पूर्व जर्मनी, एक पश्चिम जर्मनी। पश्चिम जर्मनी ने विज्ञान, व्यवसाय, परिश्रम, राष्ट्रीय भावना से इतनी तरक्की की कि जर्मनी के लोग लोहे की दीवार तोड़कर और पश्चिमी जर्मनी में आकर मिल गए, दे गए, कोई उनको रोक नहीं सका। मैं हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर झगड़ना बंद कर दें और सब लोग अपनी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में लगाएं, समृद्धि लाने में लगाएं, व्यापार में लगाएं, खेती में लगाएं, शिक्षा में लगाएं, तो हम समृद्धि के उस दौर पर पहुंच जाएंगे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अपनी सेनाओं की बनाई दीवारें तोड़कर दोबारा भारत माता के गले में लगना पसंद करेंगे। यही रास्ता है जी सर, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए सर। सर, जब इस सेशन के दौरान मैंने आपके जीवन का बहुत सारा पाठ पढ़ा था तब उस समय पे मुझे थोड़ा एक प्रश्न आया था सर मेरे दिमाग में। सर, आप IAS ऑफिसर है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, कवि है, उपन्यासकार है, सर इन सब में वास्तव में आप क्या है सर? मैं एक साधारण भारतीय हूँ जो अपने देश से प्रेम करता है और जो ये चाहता है कि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, किसी का अपमान नहीं हो जी, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको बीमार होने पर इलाज मिले, मैं ये सपना देखता हूँ। समृद्ध भारत का, एक सुखी भारत का सपना, जिसे आदि शंकराचार्य जैसे महान लोगों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने, पुरखों ने, भगवान दत्तात्रेय ने, महाराज शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, रानी दुर्गावती ने, रानी अवंतीबाई ने, रघुनाथ शाह, शंकर शाह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने जिस सपने के लिए जान दी, मैं उस सपने को देख कर सोने वाला एक साधारण भारतीय हूँ। जी सर, सच में सर आपकी वाणी सुनकर और आपके विचार सुनकर ऐसा लगा कि अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। एकीकरण के कारण देश में सहिष्णुता और शांति बनी रहेगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। जब विभिन्न जाति धर्म के लोग एक होते हैं तब सच में देश जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनमोल विचारों से हमें कृतज्ञ किया, धन्यवाद सर। मैं माइक जो है वो निधि मैम को देती हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। Thank you, Rajiv sir, for sharing your valuable views. Thank you, Rohini ma'am, for steering the conversation so nicely. On behalf of the Orange City Literature Fest, we sincerely express our gratitude towards your acceptance for the session and knowledge shared with us. Thank you all for watching and being a lovely audience. Special thanks to SGR Knowledge Foundation. I would also like to acknowledge our publisher, Prabhat Prakashan. The next session of panel discussion on media trials, a rape of a rape case, is scheduled from 3 p.m. Have a nice day. Thank you. 20 years of existence. Two universities. 23 educational institutes. Offering 137 courses.
Rai Soni Group of Institutions, a vision beyond.